Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture and society. Now open it right now. As you can see, this is your chapter number 12, resources. Resources क्या होते हैं? हमारे संसाधन होते हैं, okay? तो the raw materials that are drawn from the nature से जो काफी time के बाद नीचे दबते रहते हैं और वो कुछ time के gap के बाद हम जब उसको dig करते हैं, खोद कर निकालते हैं, उनको बोला जाता है resources. और इनको बहुत ही useful प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हम उसको यूज करते हैं टेक्नोलॉजीज के थ्रू, या हमारे कुछ लोगों की स्किल्स भी लगते हैं, कौशल भी लगते हैं, तो हमारे लिए वो इतने ज्यादा यूजफुल हैं कि हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो बहुत हमारे यूजफुल नहीं है लेकिन हमारे लिए कीमती बहुत है. तो हम जो हमारे जो ऑर्नामेंट्स क्या करते हैं, हमारी शोभा को बढ़ाते हैं, हमारे आभूषण. ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी विशेषताएं इसकी क्या होती हैं, दैट फुलफिल द ह्यूमन की नीड्स को जो क्या करती हैं, पूरा करती हैं, उनको रिसोर्सेज कहा जाता है. लाइक लैंड, सॉइल, वाटर आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये. ठीक है, एंड दे मे बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं रिन्यू करके. एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको हम यूज नहीं कर सकते, वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया. एंड दे मे बी मटीरियल और नॉन मटीरियल भी हो सकती हैं, एंड दे आर डायनामिक भी हो सकते हैं. ओके, एंड इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, विशेषता इनकी महत्वता क्या होती है. द नेचुरल रिसोर्सेज आर हाईली यूजफुल होते हैं एंड दे कैन बी यूज बाई ह्यूमन बींग्स, यूज करते हैं इन एनी टेक्नोलॉजी में. बट इन द एंशियंट टाइम्स में जो प्रिमिटिव मैन स्टेंड हिज लाइफ एट द लोअर लेवल पे बिताते थे और मैनेज करते थे अपनी लाइफ को. एंड टाइम, ह्यूमन स्किल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल बनाती हैं. ओके, एंड काइंड ऑफ रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, इनको टू काइंड में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी. एंड जैसे हमारा हो गया, फर्स्ट मैंने अभी बताया था आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल होते हैं जो रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंपोज, नीचे दबते नहीं हैं पूरी तरह से और वो दोबारे रिन्यू हो सकती हैं. लाइक हमारा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को आप रिन्यूएबल कहेंगे कि नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल कहेंगे, क्योंकि उसको मेल्ट करके दूसरी शेप में नया रूप उसको दे दिया जा सकता है. लाइक लोहा भी हमारा रिन्यूएबल है. ठीक है, उसको हीट करके हम दूसरी शेप में दे सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो एक बार यूज हो गया उसके बाद आपको नहीं मिलेगा. लाइक आपका पेट्रोल है, पेट्रोल आपका उड़ जाएगा ना, यूज करेंगे आप उड़ जाएगा, आपको खत्म होने के बाद आपको दोबारा डलवाना होता है, तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड द रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी जिस रूप में वो मिलते हैं. एक आपका हो गया बायोटिक एंड दूसरा हो गया ऑर्गेनिक रिसोर्सेज. Like first one is your biotic resources. The living things like plants and animals are termed as इनको biotic resources बोलते हैं, क्योंकि ये organic resources होते हैं, खुद से होते हैं ये. ठीक है, लाइक एनिमल फॉडर हो गया, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल, फिशेज, ये सारे बायोटिक में आते हैं. ओके, एंड अबायोटिक क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे नॉन लिविंग से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, उनको बोला जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज, या इनको हम इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी कहते हैं. एंड दे आर एग्जॉस्टेड बाय एक्सेसिव यूज, अगर हम इनका बहुत ज्यादा करेंगे तो ये हमारे धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे. ठीक है, तो हमें इनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. एंड क्लासिफिकेशन ऑन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, उनका विकास किस तरह से होता है उस पर डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल में क्या आएंगे, जो रिसोर्सेज विच एस्टिमेटेड रिजर्व्स या उनकी क्वांटिटीज, उनको बोला जाता है एक्चुअल रिसोर्सेज. एंड दीज रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक वैल्यूएबिलिटी पे डिपेंड करता है और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे यूज करते हैं, डिपेंड करती हैं ये चीजें. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल क्या होता है, द रिसोर्सेज हूज क्वांटिटीज आर नॉट नोन, आर जिनकी रिसोर्सेज हमें पता नहीं होती हैं, हमें ये कहाँ से मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड
नो दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड दे आर नॉट इन टेक्नोलॉजी में, नहीं है यूज में. एंड फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान में देर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज के हैं, जैसे आपको रिक्वायर एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी चाहिए एंड दे कुड बी यूज इन फ्यूचर में. हाई स्पीड विंड्स हो गए लाइक हमारे एंड सी वेव्स हो गई हमारी एंड दीज आर दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ विंड फॉर्म्स का, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिल रहा है. फाइन एंड दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी के बेसिस पे, लाइक एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर में हमें जो रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के सोर्स से मिलते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल सोर्स, बिकॉज 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो हमारी है इंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंड एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर ऑक्यूपेशन. फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट, उनको नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए. ठीक है. एंड पेस्टोरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज हमें एनिमल से मिलते हैं उनको बोला जाता है पेस्टोरल रिसोर्सेज. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज योर एनर्जी रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट आर यूज फॉर जनरेटिंग पावर या किसी एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो चाहिए होते हैं रिसोर्सेज उनको एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज योर मिनरल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ के क्रस्ट से, जब हम खुदाई करते हैं जब हमें जो मिनरल मिलते हैं वो रिसोर्सेज को बोला जाता है मिनरल रिसोर्सेज. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनैलिटी दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू द टू ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज आवर मैन मेड रिसोर्सेज होता है. तो हमारे नेचुरल कौन होते हैं, जो हमें क्या मिलते हैं, हमारे नेचर से प्रोवाइड होते हैं, लाइक हमारा सनलाइट है, एयर, वाटर, जो हमें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे डायरेक्टली डायरेक्टली हमें मिलते हैं इनसे. ठीक है, नेचर से. मैनमेड वो होते हैं जो रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करने के लिए इनटू यूजेबल रिसोर्सेज में बनाया जाता है और इंसान इनके द्वारा बनाया जाती हैं ये चीज़ें, उसे कहा जाता है मैनमेड रिसोर्सेज. ठीक है, लाइक नाउ यू हैव योर रैप अप. दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू डू फाइन एंड यू हैव टू कम्प्लीट. Answer number A, B, C, D and E. And from this page, you have to complete your HOTS answer number 1 and 2. Okay, class?